बैक। आज के इस वीडियो में ऐसे पांच टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा जिससे आप अपने एसी से कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्यों मेरा एसी काम नहीं कर रहा, क्यों कूलिंग नहीं कर रहा और ये रिमोट क्यों काम नहीं कर रहा, ये बटन क्यों काम कर रहा नहीं। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन है आपके जो पाँच रीजन से दूर हो सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला रीजन आपका जो कन्फ्यूजन होता है कि एसी ठंडा क्यों नहीं कर रहा, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो पहला रीज़न मैं बता देता हूँ इसका। पहला रीज़न तो आप ज़्यादातर सोचते हैं कि एसी में गैस ख़त्म हो गया, लेकिन यह अधिकतर मामला नहीं निकलता है कि आपके एसी में गैस ख़त्म हो गया। इसका दूसरा रीज़न होता है कि आपके रिमोट से सेटिंग गड़बड़ हो जाती है जिसके कारण कूलिंग का सिस्टम अलग हो जाता है। यानी कूलिंग में आपके एसी में पांच मोड होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कूल मोड, ड्राई मोड, फैन मोड और हॉट मोड, जो आपके एसी में अधिकतर होते हैं। और हॉट मोड ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी कम एसी में टू इन वन में होता है, लेकिन आप जैसे ही इस सेटिंग को बदलते हैं यानी ड्राई मोड में लाते हैं तो कूलिंग तो करते ही है, लेकिन आप फैन मोड में कर देते हैं तो कूलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अर्थात जब आप कूल मोड से हटा देते हैं, जब आप फैन मोड कर देते हैं तो उसमें केवल फैन मोड चलता है, कूलिंग कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता, जिसके कारण आपके एसी में कूलिंग का प्रॉब्लम होने लगता है, आपको ऐसा महसूस होता है, लेकिन आपके एसी में गैस नहीं ख़त्म हुआ है, सेटिंग से गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण आपको पहला कन्फ्यूजन होता है कि आपके एसी में क्या गड़बड़ी हो गई है, क्या मेरा गैस ख़त्म हो गया। बाई चांस आपका गैस कभी कभी ख़त्म हो जाता है लीक की वजह से। तो चलिए दूसरा टॉपिक यह है कि आपका रिमोट क्यों काम नहीं कर रहा है, यानी प्लस माइनस टेम्परेचर बटन क्यों काम नहीं कर रहा है, या अन्य कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता दें, मैं सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगा। तो पहला प्रॉब्लम आपको ये लगता है कि मेरा प्लस माइनस टेम्परेचर का बटन क्यों काम नहीं कर रहा है, या कोई भी बटन मेरा क्यों काम नहीं कर रहा, या कोई भी बटन काम नहीं करने का पहला रीज़न होता है बैटरी वीक पड़ चुका है, और दूसरा है रिमोट का ख़राब हो जाना। यानी पहला तो आप बैटरी को चेंज कर दीजिए, बैटरी अगर चेंज नहीं होता, बैटरी अगर चेंज करवा के देख लेते हैं फिर भी अगर काम नहीं करता तो दूसरा प्रॉब्लम है रिमोट ख़राब हो गया है, या तीसरा प्रॉब्लम पीसीबी के आईआर किट का प्रॉब्लम है। तो ये पहला रीज़न था, पहला आप बैटरी चेंज करके देख लेना, दूसरा प्रॉब्लम यही है कि आईआर का चेकिंग करवाना और रिमोट का चेकिंग करवाना। सो गाइस यही दूसरा प्रॉब्लम है, और तीसरा चौथा है आपके रिमोट में क्लॉक का बटन होता है जिसे आप टीपे रहते हैं और टाइमिंग सेटिंग होती रहती है, जिसके कारण प्लस माइनस नहीं काम करता है, इसलिए आप दोबारा एक क्लॉक का बटन टिप कर देखिएगा। क्लॉक का बटन टिपने के तुरंत बाद प्लस माइनस का बटन काम करने लगता है, टेम्परेचर आगे पीछे होने लगता है। तो गाइस तीसरा प्रॉब्लम में आते हैं, तीसरा फॉल्ट में फॉल्ट मान लीजिए आपका ख़राब हो जाता है, रिमोट ख़राब हो जाता है, आप चेकिंग करवाते हैं। अब मान लीजिए आपको रिमोट नहीं ख़रीदना है, 1200-1500 से ज़्यादा दाम में आ रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करें, मार्केट में एक बार पूछ लेते हैं 400 में मिलता है तो ले लीजिए, ऐसे तो टेक्निशियन 500-600-1200-1500 देते हैं, ऐसे मार्केट में आप 300-350 में खरीद सकते हैं, एक बार बोल के कि ये काम कर जाएगा तो मैं ले लूँगा, नहीं काम करूँगा तो लौटा दूँगा। अगर ये आपको पसंद नहीं है, ख़रीदना पसंद नहीं है, तो बिना रिमोट के आप अपने एसी को कैसे चलाएँगे। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने एसी को सेट किए हुए, मतलब अपने एसी को सही टेम्परेचर में सेट किए हुए हैं, तो अगर चालू ही नहीं हो रहा, ऑन ही नहीं हो रहा, तो एक इमरजेंसी बटन होता है जो फ्रंट एसी के इंडोर के फ्रंट पैनल के अंदर होता है, उस इमरजेंसी बटन को आप टिप देंगे यानी प्रेस कर देंगे तो आपका एसी चालू हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से काम करने लगेगा। बस इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, 22-23-24-25 ये नहीं कर पाएंगे, जो टेम्परेचर सेट है उसी टेम्परेचर में चलाना पड़ेगा। तो गाइस आशा करता हूँ आज के ये वीडियो आपको बेहतर लगा हो, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं एक और नए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।